ईसीजीसी लिमिटेड और रशिया का क्या इशू है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ईसीजीसी लिमिटेड, इसने अभी रशिया को रेस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी वन की लिस्ट में रख दिया गया है। पहले ये ओपन कवर कैटेगरी के अंडर थी। ओपन कवर कैटेगरी के अंदर पॉलिसी होल्डर जो है वो और लिबरलाइज तरीके से और फ्रीली तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं अब, या फिर क्लेम कर सकते हैं। तो इस पर अगर हम लोग बात करें, चर्चा पहले डिटेल में कि ये पूरी ओवरऑल चीज़ क्या है, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ आई है इट इज़ इनकम्प्लीट जब तक आपको ईसीजीसी के बारे में जो है वो नहीं पता होगा, राइट। जैसे इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी जो स्कीम के बारे में हमने डिस्कस करी थी, वैसे ही ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, राइट। जैसे कि क्रेडिट गारंटी, अब किस फील्ड में? एक्सपोर्ट की फील्ड में। तो जो भी लोग जो है वो एक्सपोर्ट्स करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, एग्जिम बिजनेस में जो जिन लोग का ट्रेड होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये जो स्कीम है वो क्या प्रोवाइड करा रही है? क्रेडिट प्रोवाइड करा रही है, लोन प्रोवाइड करा रही है, राइट। और ना ही सिर्फ लोन, ये इंश्योरेंस भी कवर करती है। मतलब इन द सेंस कि ना ही सिर्फ लोन देती है, बल्कि अगर उनका कोई प्रोडक्ट जैसे उन्होंने एक्सपोर्ट किया और वो डैमेज हो गया तो उस पर वो क्लेम कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट डैमेज हो गया है। तो जब वो क्लेम करेंगे तो उसको उनको जो है रीइंबर्समेंट जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है इस स्कीम के तहत। और अभी जो न्यूज़ आई है इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है कि ये जो कंपनी है ईसीजीसी लिमिटेड, ये अब जो जो भी लोग रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, तो उनके ट्रेड में अगर जो भी मतलब जो होता है, मतलब जैसे उनका कोई सामान जो है वो टूट गया, राइट, कोई भी उन्होंने शिपमेंट जो है वो करी वो खराब हो गया, टूट गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉर की स्थिति है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस कंपनी ने भी मना कर दिया है कि अभी जो है ये मतलब कवर जो है वो नहीं देगी, यानी कि क्लेम अगर कोई करता है पॉलिसी होल्डर तो उसको जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो रशिया पर अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो भेज रहा है। तो ये चीज़ अभी के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, और ये कंपनी के बारे में बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये गवर्नमेंट ओन्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है और ये प्रोवाइड कराती है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट को और इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो ये हेल्प करती है, राइट। तो जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं, एक्जिम बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको काफ़ी जो है वह हेल्प की जाती है इस पर्टिकुलर कंपनी के तहत, राइट। और इसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास है और ये कंपनी मुंबई में है और ये कंपनी 1957 में एस्टैब्लिश हुई थी। क्लियर।